नमस्ते, मैं राजश्री स्वामी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय श्री डोंगरगढ़। आज हम ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये संविधान विश्व का सबसे प्राचीनतम एवं अनूठा संविधान है, और इसके बारे में टोकविले ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व ही नहीं है, और मुन्रो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है। हम देखते हैं कि ब्रिटेन का शासन सिद्धांत निरंकुश है, स्वरूप में सीमित राजतंत्र है और व्यवहार में एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में हम विस्तार से पढ़ें तो सबसे पहले हमारे सामने आती है कि ये संविधान एक विकसित संविधान है जो पिछले 1400 वर्षों के लगातार विकास का परिणाम है। और ब्रिटिश संविधान की विशेषता की संवैधानिक विकास की विशेषता को एंसन ने बहुत ही सुंदर एक काव्यात्मक शैली में कहा है कि ये संविधान विभिन्न प्रकार की भवन सामग्री निर्माण द्वारा निर्मित एक ऐसा महल है जिसके जो मालिक आया समय समय पर, उसने अपनी आवश्यकता के अनुसार इस संविधान में बदलाव किए। जैसे किसी ने अपने सुविधा के अनुसार दलान, बरामदे, खम्भे, शयन कक्ष या अतिथि कक्ष बना दिए हैं। उसी प्रकार ब्रिटेन के संविधान में अलग अलग तरीके से संशोधन होते हुए और नई नई चीज़ें इसमें संयोग के साथ जुड़ती चली गई, और असली इसे बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान मुन्रो ने कहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान है वो ब्रिटिश जनता के विकासवादी स्वभाव की एक परिणाम है, और जो कि क्रांति की अपेक्षा विकास को ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा इस संविधान की विशेषता है कि ये अलिखित संविधान है। अलिखित हम इस अर्थ में कह सकते हैं कि इसका निर्माण किसी एक संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि क्योंकि इसका विकास हुआ है। टोकविले ने कहा है कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ये तो जो नई नई चीज़ें विकसित होती गई वो एक संविधान के रूप में जुड़ती चली गई। लेकिन हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन का संविधान पूर्णतया अलिखित संविधान नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसमें लिखित रूप में भी हमें मिलती है। जैसे कि हमने कल पढ़ा मैग्ना कार्टा, जो 1215 में अधिकारों का मांग थी उसमें, वो एक लिखित दस्तावेज है। अधिकारों के लिए याचना पत्र आया था 1628 में, वो ब्रिटिश संविधान का लिखित दस्तावेज के रूप में माना जाता है। संसदीय अधिनियम 1911 इत्यादि, लेकिन अधिकांश भाग इस ब्रिटिश संविधान का अलिखित है, इसलिए सामान्यतः इसे विश्व का अलिखित संविधान ही माना जाता है। तीसरी विशेषता है इस संविधान की कि ये एकात्मक संविधान है। ब्रिटेन में शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया गया है, और सारे देश की जो राजधानी है उसी में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका की समस्त शक्तियां केंद्रित हैं। अतः हम देखते हैं कि जिस तरह से भारत और अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है, शक्तियों केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है। वह एकात्मक शासन व्यवस्था है और सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। तीसरी इसकी चौथी विशेषता हम ब्रिटेन के संविधान की देखते हैं तो ये विश्व का सबसे लचीला संविधान है, और बहुत लचीला संविधान वह होता है जो आसानी से परिवर्तन जिसमें किया जा सकता है, संशोधन में सरलता रहती है और किसी विशेष प्रक्रिया को नहीं अपनाना पड़ता है। और एक साधारण कानून यदि बन जाता है तो वो संविधान में संशोधन मान लिया जाता है। इसके विपरीत जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत के संविधान की बात करें, जो कि विश्व के लिखित एवं कठोर अपरिवर्तनीय संविधानों में शामिल किए जाते हैं, तो उनमें संविधान में संशोधन आसानी से नहीं किए जा सकते हैं। एक विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है संविधान संशोधन करने के लिए, लेकिन ब्रिटेन में बड़ी आसानी से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इस तरह से ब्रिटेन संविधान की जो संविधान में एक नमनीयता है, वो जो आसानी से एक स्वरूप में अपनी परिवर्तन कर लेते हैं, और ये परिवर्तन भी बिना किसी क्रांति या हिंसा के होते हैं, ये आसानी के साथ गत्यात्मक रूप से ये अपने स्वरूप को बदल लेते हैं। पांचवी विशेषता है ब्रिटिश संविधान की पैतृकता या सीमित राजतंत्र है। इंग्लैंड में राजतंत्र बहुत वर्तमान में राजतंत्र की सीमित राजतंत्र शासन व्यवस्था हम कहते हैं। 1642 ईस्वी में जब इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था, और 1688 ईस्वी में शांतिपूर्ण क्रांति हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति भी जिसको कहते हैं,
उसके तहत ब्रिटेन में सम्राट की शक्तियों का प्रयोग उसके तहत ब्रिटेन में जो सम्राट है उसकी शक्तियों का प्रयोग संसद करने लगे थे। और अब यदि हम देखें तो ब्रिटेन के सम्राट के पास सिर्फ तीन शक्तियां रहे, सलाह देने का अधिकार, चेतावनी का अधिकार तथा प्रोत्साहन करने का अधिकार। इस तरह से ब्रिटेन में पैतृक तथा सीमित राजतंत्र है, यानी पैतृक है यानी कि वंशानुगत रूप से ये राजतंत्र चल रहा है, लेकिन यह मंत्रिमंडल के नियंत्रण में कार्य करता है, इसलिए सीमित राजतंत्र है। छठी विशेषता है कि ब्रिटेन का संविधान ये धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। ये एक आश्चर्य की बात हो सकती है क्योंकि ब्रिटेन विश्व के लोकतंत्र का जनक माना जाता है। और हम देखते हैं कि आज वर्तमान में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के पर्यायवाची के रूप में है, लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो अपने मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हालांकि ब्रिटेन में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन जो ब्रिटेन का राजा होता है तो रानी बनती है, उसे प्रोटेस्टेंट ईसाई होना अनिवार्य है। इसलिए ब्रिटेन के संविधान को धर्मनिरपेक्ष नहीं माना जाता है। सातवीं विशेषता है ब्रिटेन संविधान की कि यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय सरकार है, अर्थात संसद में जिस दल को बहुमत मिलता है उसी दल की सरकार बनती है और तभी तक सरकार या कार्यपालिका अपने पद पर कार्य कर सकती है जब तक कि उसको कार्यपालिका को संसद में विश्वास या बहुमत प्राप्त हो, और बहुमत खो देने के साथ ही उसको अपनी पद से कार्यपालिका को त्यागपत्र देना पड़ता है। वास्तव में हम देखते हैं कि संसदीय जो शासन प्रणाली है उसका शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, इसलिए मुनरो ने ब्रिटिश संसद को सभी संसद की जननी कहा है, सभी संसद की जननी का है, क्योंकि विश्व में चाहे किसी भी रूप में किसी भी नाम से संसद को जाना जाता हो, लेकिन जो मूल प्रेरणा स्रोत है उन संसदों की वो ब्रिटेन की ही संसद रही है। और आज हम देखते हैं कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि में संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश संसद से ही प्रभावित है। और आठवीं विशेषता है कि संसद की ब्रिटेन में न केवल संसदीय शासन प्रणाली है बल्कि वहाँ पर संसद ही सर्वोच्च है, यानी कि संसद की सर्वोच्चता है। और विश्व के किसी भी देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली संसद है ब्रिटेन की संसद। डाइसी ने इसके बारे में कहा है कि कानूनी दृष्टि से ब्रिटिश राजव्यवस्था की प्रमुख विशेषता संसद की सर्वोच्चता है, और संसद इतनी सर्वोच्च है कि यहाँ व्यवस्थापन के द्वारा भी उसको सीमित नहीं किया जा सकता, और जो संसद कानून बना देती है वो ही अंतिम कानून माना जाता है और उसको सर्वोच्च न्यायालय में अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। जैसे अमेरिका और भारत में व्यवस्था है न्यायिक पुनरावलोकन की, जिसके तहत यदि संसद के कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ उसको सर्वोच्च न्यायालय संविधान के खिलाफ मानकर उसको रद्द कर सकता है, लेकिन ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, संसद के पारित किया गया कोई भी कानून न्यायालय में अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि एक विद्वान है डी लोम, ब्रिटिश विद्वान, उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली है कि वो पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा कुछ भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश संसद विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली संसद है। नौवीं विशेषता है यहाँ का मिश्रित संविधान। मिश्रित संविधान का मतलब यहाँ राजतंत्र भी है, कुलीन तंत्र भी है और प्रजातंत्र भी है। राजतंत्र राजा और रानी के रूप में सीमित राजतंत्र यहाँ स्थित है, यानी कि जिस तरह हमारे देश में राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है, वहाँ ब्रिटेन में राजा है वो एक नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है, इस तरह सीमित राजतंत्र है। कुलीन तंत्र का प्रतीक है लोकसभा। लोकसभा वस्तुतः कुलीन तथा वंशानुगत धनाढ्य वर्गों की ही एक प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इस तरह से लोकसभा कुलीन तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है, सीमित राजा सीमित राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और वास्तविक शक्तियां संसद में निहित है, हाउस ऑफ कॉमन्स में निहित है, इसलिए वहाँ राजतंत्र प्रजातंत्र या लोकतंत्र की भी पूर्ण भागीदारी है।
इसलिए तीनों का मिश्रण ब्रिटिश संविधान को माना जाता है। दसवीं विशेषता ब्रिटिश संविधान की है कि यहाँ कानून का शासन, या जिसे हम रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन कहते हैं, इसको डाइसी ने अपने पुस्तक के माध्यम से उसको समझाया है, विधि के शासन को। विधि के शासन में दो मुख्य विशेषताएं होती है। इसके तहत कानून की समानता, यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो किसी अमीर हो, गरीब हो, किसी भी स्तर का हो, उन वो कानून के समक्ष समान एक व्यक्ति, एक नागरिक के रूप में माने जाएंगे। दूसरी विशेषता है कि कानून के समक्ष समान, यानी कि उन सब के लिए एक ही कानून होगा, कानून में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा, चाहे वो किसी भी संस्था या किसी भी समूह को बिलोंग करते हो। ग्यारहवीं विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत और व्यवहार में हम अंतर देखते हैं। कैसे कि सामान्यतः जिस मुन्रो ने अपने शब्दों में कहा कि ब्रिटिश संविधान की ये अद्भुत विशेषता है कि ये जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। क्योंकि हम ब्रिटेन में देखते हैं कि ये राजतंत्र है, किंतु राजतंत्र भी कैसा है, नाम मात्र का राजतंत्र है, वहाँ समस्त शक्तियाँ प्रजातंत्र में निहित है, जनता द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका में निहित है, और राजा एक शानदार कठपुतली के अलावा कुछ भी नहीं है। बेजोट ने का एक बहुत उपयुक्त कथन है कि यदि संसद के दोनों सदन अपने मृत्यु आदेश को पारित कर दें और उसको राजा के पास भेज दें, तो राजा को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। अर्थात राजा है लेकिन सिर्फ नाम मात्र का राजा, उसको वही सब कार्य करने पड़ते हैं जिसकी आज्ञा उसे मंत्रिमंडल देता है। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि दूसरा अंतर हम संसद और मंत्रिमंडल के संबंध में देखते हैं। सिद्धांत में तो देखें तो संसद सर्वाधिक शक्तिशाली है, और मंत्रिमंडल संसद के कॉमन सभा के रूप का जो बहुमत प्राप्त दल है उसके सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन वास्तव में हम देखें तो वास्तविक शक्तियां संसद में निहित न होकर मंत्रिमंडल में निहित हो गई है, और संसद सिर्फ आलोचना का एक मंच बनकर रह गया है। इसी तरह एक अन्य सिद्धांत और व्यवहार में अंतर हम देखते हैं कि सैद्धांतिक रूप से ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन वास्तविक रूप में ब्रिटेन में स्थानीय स्वशासन पूर्ण रूप से विकसित है और पर्याप्त रूप से शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। अथवा सैद्धांतिक रूप से राजतंत्र है लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ पर लोकतंत्र है। मुन्रो ने लिखा है कि किसी भी पदाधिकारी के नाम से कोई भी पदाधिकारी यहाँ कार्य कर सकता है, यानी कि सिद्धांत और व्यवहार में कई यहाँ पर ब्रिटिश संविधान और वास्तव में अंतर पाया जाता है। इस तरह से हम ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में समझ सकते हैं। ये विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है और बहुत नमनीय संविधान है, यानी बहुत आसानी से गत्यात्मक संविधान है, जिसने किसी भी रूप से इसमें परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है, जिसके लिए कोई विशेष कानून पास करने की या विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। ये हम विशेषताओं के बारे में हमने बात करी। अब सामान्यतः ये कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान है वो एक संयोग और विवेक के संतान है, कि विवेक इसमें किसी एक विशेष योजनाबद्ध तरीके से इस संविधान का निर्माण नहीं हुआ। जैसे हम अमेरिका या भारत का संविधान की बात करते हैं तो इन दोनों संविधानों का निर्माण बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हुआ है, लेकिन ब्रिटेन संविधान का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ है। ब्रिटेन में विधि, वित्त, न्यायकारी, चुनाव आदि जितने भी अधिकांश सैद्धांतिक कार्य हैं वो महत्व, सैद्धांतिक महत्व की जो भी संस्थाएं बनी है वो कोई नवीन संस्था या आविष्कृत की गई या संगठित की गई संस्था नहीं है, बल्कि ये संयोग से उत्पन्न हुई संस्थाएं मानी जाती हैं। जैसे ब्रिटेन में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्थापिका है और मंत्रिमंडल है, तो प्रारंभ में ब्रिटेन में वास्तवतः त्रिसदनात्मक संसद का विकास हुआ था, लेकिन ये धीरे धीरे संयोगवश द्विसदनीय संसद में बदल गई। और एक तो हाउस ऑफ कॉमन्स है, दूसरा जो सामंत वर्ग और जो धर्म के उच्च जो धर्माधिकारी थे उनके आपस में एक दूसरे के स्वार्थ जुड़े हुए थे, तो अपने एक दूसरे के स्वार्थों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक सभा बनाई और वो लोड सभा के रूप में जानी जाने लगी। इस तरह से कॉमन सभा और लोड सभा का विकास हुआ। अब ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की बात करें तो ये भी एक सिर्फ संयोग का ही उत्पादन माना जाता है,
क्योंकि जो हैनोवर 1714 में हैनोवर वंश के सम्राट रहे थे दो, जॉर्ज प्रथम तथा जॉर्ज द्वितीय। अब उन दोनों को अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, इसलिए जब मंत्रिमंडल की बैठक होती थी तो मंत्रिमंडल में से कोई से भी सदस्य वो बैठक की अध्यक्षता करने लग जाता था। तो इस दौर से मंत्रिमंडल के शक्तिशाली होने की शुरुआत संयोगवश ही शुरू हुई और मंत्रिमंडल का पद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक शक्तिशाली संस्था के रूप में ब्रिटेन में विकसित हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ संयोग के संयोगवश ही ब्रिटेन में संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि कुछ कतिपय संस्थाएँ बनी वो बुद्धिमत्तापूर्ण भी कही जा सकती हैं। जैसे 1688 में जब गोरखपुर क्रांति हुई थी और उस महान क्रांति के पश्चात राजा को संसद के अधीन कर दिया गया था, तो जो शक्तियाँ थी उस समय जो एक अधिनियम पारित हुआ था जिसे अधिकार विधेयक के नाम से भी जाना जाता है 1689 में, तो वो पूर्णतया एक सोच समझकर बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें राजा को संसद के नियंत्रण में लाया गया था। और इसी तरह से कुछ अलग अलग विधेयक बने हैं, जैसे 1832, 1867, 1884 में जो सुधार अधिनियम बने थे जिनमें मताधिकार को व्यापक किया गया, कॉमन सभा का लोकतांत्रिक किया गया, लोकतांत्रिकरण किया गया। 1911 तथा 1949 में अनेक संसदीय अधिनियम बने जिसमें लोकसभा की लोड सभा जो शक्तिशाली थी, वंशानुगत थी, राजशाही थी, उसकी शक्तियों को कम किया गया तथा संसद की संप्रभुता को अधिक संप्रभुता था जो लोक सदन था जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं उसकी शक्तियों को बढ़ाया गया था। इस प्रकार ब्रिटेन का संविधान है वो विवेक और संयोग का शिशु है, यानी कि इन विवेक और संयोग से मिलकर ये संविधान बनाया है। और मंत्रिमंडलीय जो शासन व्यवस्था है वो संयोग पर आधारित है, जबकि जो लोकतांत्रिकरण किया गया जिसमें राजा की शक्तियों का सीमित कर वैधानिक राजतंत्र की लोकतंत्र और पूर्ण लोकतांत्रिकरण की जो स्थापना की गई थी वो पूर्ण रूप से विवेक पर आधारित थी। इस प्रकार यहाँ कुछ घटनाएं वो आकस्मिक घटनाओं के कारण घटित हुई, तो कुछ है वो पूर्ण रूप से सचेतन और परिकल्पना के आधार पर विकसित हुई। इस तरह से ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक दोनों का मिश्रण माना जाता है। धन्यवाद।